दीपक जी आए। हाय दीपक जी, क्या हाल है आपका? आप म्यूट पे हैं। सुनाइए, कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। देखो, चल रही है गाड़ी, हर फिक्र को दुबई में उड़ाता चला गया। अच्छा दीपक जी, मैं आपको मजे की बात बताऊँ ना। मेरी और लवेल, हम दोनों स्मोक, हम तीनों स्मोकर्स हैं। तो मेरी एक सिगरेट रह गई ना, और मेरे लाइटर्स पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मेरे तीन चार लाइटर्स में एक लाइटर नहीं मिल रहा मुझको। तो अब मेरे पास माचिस थी, उसमें एक थी तो उससे मैंने मोमबत्ती जला ली। मैंने कहा मोमबत्ती जला लेती हूँ ताकि देन आई कैन लाइट माय सिगरेट। तो मैं वो सिगरेट लेके बताइए आप। भागती हूँ हवा में, वो मोमबत्ती यानी मैं लगा लाते वो बिल्कुल वो हो गई। मैंने कहा नहीं, मगर उसमें थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। तो माली ने जला के छोड़ी। मैंने भी कहा आपको पता है ना कि वो जब हुड़क उठती है तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। मैं तो मेरी गाड़ी में कम से कम नहीं तो 10-15 लाइटर होते हैं। मेरे पास भी थे, तीन लाइटर थे, तीनों गायब। हाँ, मैंने कहा, मैंने कल परसों निकली दो हूँ, मेरे पांच हाथ वो में डोर था। डोर के वो खाने में पड़े होंगे, दो चार इधर पड़े होंगे, दो पांच यहाँ पड़े होंगे, जहां से जो हाथ में आया ले लेने का। मुझे देखना पड़ेगा अपनी गाड़ी में, कहीं ना कहीं गिर गया होगा, लुढ़क गया होगा। आई देखो, नो। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में, जो आज हम सदफ कमल के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सदन कमल? अरे जो मॉडल थी, पूरा शो नहीं देखा आपने? हाँ, कौन तो वो सी? क्या बोल रही थी वो? ना, पूरा सोना ही देखा मैंने। वो कह रही थी कि हमारा कल्चर हमारा हस्बैंड है, मैं अपने ना ना हस्बैंड। भाई, तुमने ये एक्चुअल में क्या है, ये सारी नस्ल है ना, वो मांस के ऊपर से आई हुई है, तो इनका कल्चर एकदम डिफरेंट है। वो तो हवा पानी खा के ही जी लेते हैं, माँ की आंख साले खाना ही नहीं खाते। ये डिफरेंट कल्चर वाले है ना, बड़े डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं, ये अंदर निकर ही नहीं नहीं, पहनते साले। मगर वैसे खुद बड़ी अमीर है, खुद इनके घर में दस दस तो नौकर भाई, होंगे। वो मेरी बात सुनो, अमीर होने से क्या होते हैं? अमीर होने से सभ्यता आ जाती है क्या? नहीं, अमीर होने से संस्कृति आ जाती है? तो मगर हिपोक्रेसी है ना दीपक पांड्या जी, हिपोक्रेसी है फिर कि आप एक मैं तरफ, वही तो बोलता आप हूं ना, तो एक तरफ आपने बिकिनी पहनी है, फिर कहती है ये औरत मार्च वाली औरतें, लिबरल्स बहुत पैदा हो गए पाकिस्तान में, लिबरल्स बड़े पैदा हो गए। तो आप भी तो लिबरल ही थी, क्या हो गया? हाँ, इंटरव्यू के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के आई है। आज तक मैंने इनको शलवार कमीज दुपट्टे में नहीं देखा आपने पार्टीज देखा में। ना, ये एलन मस्क, ये अमेज़न वाला, सब लोग चांद के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलते हैं कि आने वाले 5 साल में, या ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल के अंदर, ये लोग मून के ऊपर से फ्लाइट चालू कर देंगे, जैसे यहाँ से कतर किया, बहरीन किया, लंदन वंडन इंग्लैंड की चलती है वैसे। तो ये लोग बोलते हैं ना कि हम ये डिफरेंट कल्चर वालों से हम लोग थक गए, बोलता है, इसके लिए हम लोग नई दुनिया बसाएंगे, बोलता है। हाँ, नहीं होना यही। देखिए आप, मैं ना हमेशा से, लोग कहते हैं मूवीज मूवीज ही है, नहीं मूवीज मूवीज नहीं है। ये मूवीज जो लोग बना रहे होते हैं ना, ये पीछे हम लोगों को हिंट दे रहे होते हैं कि आने वाला क्या है फ्यूचर की। अगर आप ये फ्यूचरिस्टिक जैसे मूवी कि मालूम है देखो ना आपको, मैं उसका नाम भूल गया, वो हीरो का नाम, ये मिशन इम्पॉसिबल में आता है, उसका नाम क्या है? हाँ, टॉम क्रूज, टॉम क्रूज की जो अभी नई मूवी आ रही है ना, उसका जो शूटिंग है वो चांद पे होने वाला है। रियली? हाँ, रियली रियली। और उसमें उसको जो स्पेस एजेंसी है वो अमेज़न वाला है, और एलन मस्क उसको हेल्प कर रहे हैं, उसमें एलन मस्क ज्यादा हेल्प कर रहा है उसको। चांद पे कौन सा खुदा होगा बाय द वे? वो कहाँ, चांद पे पूरी भगवान होंगे, जीजस होंगे, वो नहीं मालूम भाई मेरे को अल्लाह अभी। हाँ, वो लोग दूसरा होंगे, टुकड़ा ढूंढ रहे हैं, वो जो अल्लाह ने एक उंगली से दो टुकड़े कर दिए थे ना, तो दूसरा टुकड़ा ढूंढ रहे हैं वो लोग। हाँ। पता नहीं, मैंने भी देख रहे हैं ये, जब चांद पे जाएंगे तो प्लीज हमको भी बता ना कि चांद पे कौन सा खुदा है। वी आर क्यूरियस टू नो कि उसकी चांद पे नई कौन मूवी सा खुदा है, की तो मार्स पे कौन सा खुदा है, हमें ये भी बताइएगा। वही तो बात हुई है ना, लोग चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए, यहाँ पर इन बंदे को ये भी नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन कब तक डेवलप होता है। वैसे मुझे भी नहीं पता, देखती हूँ। आई थिंक इट्स 22 जहां तक मुझे पता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैली जी, जी लेकिन मैं पढ़े लिखों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई ये सिस्टम क्या काम करती है, कैसे होता है। चलो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं गालिब को कभी कभी उसकी जो साइंस वाले वो लाइव में आता है तो मैं सुनता भी हूँ बड़े ध्यान से। तो मुझे भी लगता है कि नहीं यार, बंदे की बात में दम है, बंदा पढ़ा लिखा है तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो मैं उस चीज से भी बहुत सारा कुछ सीख लेता हूँ। चलो भाई यार, एक जिंदगी को एक नई सोच मिलती है, एक नई आदमी नई तरीके से सोचता है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारा कल्चर जरूरी डिफरेंट है। नहीं है, जरूर देखें दीपक पांड्या जी, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो,
ठीक है ना, हाँ हाँ जाहिल लोग भी होते हैं, तो वो कॉमन सेंस होनी चाहिए। मतलब होनी कि चाहिए। बंदा है आपके सामने, वही मिसाल दूंगी, आपके सामने आग जली हुई है, आप वो का अगर आपके पास कॉमन सेंस होगी तो आप उसमें हाथ नहीं डालोगे, ठीक है ना। मगर कोई हाँ बंदा धुंध बिलीव कर रहा होगा ना, और उसके कुरान में या वेदा में लिखा होगा ना कि आपके अंदर आग हाथ डाल दो, तो उनसे जाके डाल दे, क्योंकि डाल वो देते उसके डाल देते। लिए है वो, यू नो। तो मगर कॉमन हाँ सेंस जिसके पास होती है ना, वो कॉमन सेंस चलाएगी। ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप्स एट 25। तो हाँ जो पूछ रहे थे ना कि सिगरेट क्यों नहीं पीनी, तो अल्कोहल, ये सब इस वजह से होती है क्योंकि आपका ब्रेन फुली डेवलप नहीं हुआ हुआ होता है, इस वजह से मना है वो पीना। मगर यहाँ पर इन्होंने 18 H जगह पे 21 H जगह पे 22 है, डिफरेंट लीगल एजेस है डिफरेंट कंट्रीज में। मगर भैया पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं ना एज, पाकिस्तान में तो है ही तो नहीं ना एज, ये बताना भूल गए अल्लाह का। यहाँ पे भी मेरे दोस्त हो ना पाकिस्तानी, हम लोग शाम को बैठते हैं पार्टी वार्टी में, तो ये कुछ बात होगी ना तो तुरंत ये बोल देंगे, बोले यार दीपक डैनी भाई, बोले यार हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट, हमारी सोच डिफरेंट है। ओ मैं बोला भाई डिफरेंट में क्या, पाकिस्तान में बैठ के 2 + 2 करेंगे तो 4 नहीं होता है क्या, डिफरेंट क्या होता है। हाँ, सी सिगरेट स्मोकिंग किल्स लिखा होता है। आपको पता है सिगरेट जो है ना, वो हीरोइन से ज्यादा एडिक्टिव होती है। आई विश कि मैं इसको छोड़ सकती आई गेस। मैंने अब सब कुछ ही, मैं शराब भी नहीं पीती हूँ, कभी कभार एक ड्रिंक मैंने पी ली, कल मैंने एक ड्रिंक लगाई थी, दैट्स ऑल, वन ड्रिंक, दैट्स इट। किसी देखो मुझे मेरी ड्राइव बात करना सुनो, था, हीट पीती थी, वो भी मैंने मैं अभी क्या, 2 हफ्ते हुए हैं वो भी नहीं पी रही हूँ, आई हैव स्टॉप्ड। बस अभी सिगरेट रह गई, बस इसको ना ही ना मुझे खत्म करना है, मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, आपके सिगरेट पीने से क्या आप क्या मानते हो, ये जो जो बोलते हैं चेंज होने वाले सब चेंज हो जाएंगे। नहीं, इस वजह से नहीं, नहीं इस वजह से नहीं, क्योंकि देखें सिगरेट पीने ओके से मुझे पता है ना कि मेरी फिजिकल, मेरी बॉडी, मैं इस वजह से करना चाह रही हूँ कि मैं, आई वांट टू बी हेल्दी। मुझे पता है कि मेरी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, और सिगरेट विल कॉज मी हार्ट प्रॉब्लम्स, मेरा छोटा ओ बच्चा है, ना ना छोटे ऐसा कुछ, चीजें हैं, तो आई हैव टू ना कि मुझे अपनी अपनी हेल्थ की ख्याल रखना है, मैं इस वजह से कर रही हूँ। इस वजह से नहीं कि दूसरे लोग मुझको बोलते हैं या देखेंगे या सोचेंगे, ना ना, मैं अपनी हेल्थ की वो करनी है उसमें, इस वजह से मैं छोड़ना चाह रही हूँ। वरना तो आई डोंट गिव अ बहुत शिट बड़ा इफ गलत आप बात कही। लोग बोलते रहे, उनके बोलने से क्या है, उन लोगों के बोलने से नहीं छोड़ती मैं, हाँ लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोगों के बोलने से कोई नहीं मैं छोड़ती। मैं जो करना है ना, मैं अपनी डंकी की चोट पे करती हूँ, मैं लोगों के उस पर नहीं करती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट देम। चले हाँ दीपक हाँ जी, थैंक यू, मेरे पास बस एक और कॉलर है, फिर मैं निकलूंगी, 3 घंटे होने कहाँ वाले हैं। जाना आज है, बाहर मैं जा रही है बच्ची क्या। निकलूंगी जरा बाहर, आज मुझे जाना है, जरा हाँ स्कूल भी जाना है, फिर वो कह रही थी मुझे मम्मी कहीं लेके निकलो बाहर, आज जरा वेदर बेहतर है, तो हम लोग निकलेंगे ऐसे, करेंगे, पर 2-3 काम भी मुझको करने हैं, सेक्स ओके करना ओके हेल्दी, ठीक है, क्या सेक्स इज हेल्दी ऑफ हुआ। कोर्स, मास्टरबेशन इज वेरी हेल्दी। चले, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर ओके चैट। ओके।